हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मलेरिया होने के कारण और उससे बचने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथियों, मानसून और गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारी है मलेरिया। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना आवश्यक है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलेज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बढ़ने लगते हैं। इससे एनीमिया के लक्षण उभरने लगते हैं। इसके लक्षणों में चक्कर आना, सांस फूलना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम आदि जैसे लक्षण भी परेशान करने लगते हैं। गंभीर मरीज को बेहोशी आ सकती है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। लापरवाही या सही इलाज ना होने पर मलेरिया काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। बेहतर है कि आप मलेरिया से बचाव के उपायों को जानें और उन्हें अपनाएं भी। तो चलिए जानते हैं मलेरिया से बचाव के कुछ कारगर तरीके। मानसून या गर्मी में खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट रख कर आप मलेरिया को मात दे सकते हैं। इन दिनों में शरीर गर्म रहता है, जिसे निकालना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसके लिए आपको दिन भर पर्याप्त पानी पीने के अलावा नारियल पानी, जूस आदि भी पीने चाहिए। ऐसी जगह जहाँ कूड़ा या गंदगी पड़ी हो वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि वह जगह मच्छरों के पनपने की अच्छी जगहें होती हैं। साथ ही शाम के समय भी पार्क आदि में ना जाएं और घर पर ही रहें। हल्के रंग के कपड़ों पर मच्छर कम पास आते हैं, जबकि गहरे रंग के कपड़ों पर वे आकर्षक होते हैं। तो हल्के रंग के तथा फुलस्तीन के कपड़े पहनकर आप मलेरिया से बच सकते हैं। अपने दरवाजे और खिड़की पर पतली जालियां लगवाएं व घर में मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। इससे आप मच्छरों के प्रकोप से बच पाएंगे। चाहे दिन हो या रात, आपको मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ तो विशेष सावधानी रखें। दोस्तों, हालांकि मलेरिया से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय कारगर हो सकते हैं, किसी भी घरेलू इलाज का सबसे बड़ा फायदा इसका हानि रहित प्रभाव होता है। मलेरिया के उपचार के लिए 10 ग्राम तुलसी के पत्ते और 7 से 8 मिर्च को पानी में पीसकर सुबह और शाम लेने से बुखार ठीक हो जाता है। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। अनेक गुणों के साथ ही तुलसी मच्छरों को भगाने में भी मददगार साबित होती है। मलेरिया मुख्यतः मच्छरों के काटने से होता है। सर्दी, कपकपाहट, तेज बुखार, बेहोशी, बुखार उतरने पर पसीने छूटना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग में नीम के तने की छाल का काढ़ा दिन में 3 बार पिलाने से लाभ होता है। इससे बुखार में आराम मिलता है। थोड़े से नीम के हरे पत्ते और 4 काली मिर्च को एक साथ पीस लें, फिर इसे थोड़े से पानी में मिलाकर उबाल लें। इस पानी को छानकर पीने से लाभ होता है। इसके अलावा नीम का तेल नारियल या सरसों के तेल में मिलाकर शरीर पर मालिश करने से भी मच्छरों के कारण उत्पन्न मलेरिया का बुखार उतर जाता है। दोस्तों, गिलोय एक ऐसी आयुर्वेदिक बेल है जिसमें सभी प्रकार के बुखार, विशेषकर मलेरिया रोगों से लड़ने के गुण होते हैं। ग्लोए के काढ़े या रस में शहद मिलाकर 40 से 70 मिलीमीटर की मात्रा में नियमित सेवन करने से मलेरिया में लाभ होता है। इस प्रकार के बुखार के लिए लगभग 40 ग्राम ग्लोए को कुचलकर मिट्टी के बर्तन में पानी मिलाकर रात भर ढक कर रख दें। सुबह इसे मसलकर छानकर रोगी को 80 ग्राम मात्रा में दिन में 3 बार पीने से बुखार दूर हो जाता है। साथ ही अमरूद का सेवन मलेरिया में लाभप्रद होता है। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो उसे रोज दिन में 3 बार अमरूद अवश्य खिलाएं। ये बहुत प्रभावी रहेगा। अमरूद के मुकाबले इसके छिलके में विटामिन सी बहुत अधिक होता है, इसलिए अमरूद का छिलका हटाकर कभी ना खाएं। साथियों, इसके अलावा मलेरिया के रोग में ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं और जितना हो सके जूस का सेवन करें। जितना लिक्विड आपके शरीर में जाएगा, आपको मलेरिया से बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया मलेरिया होने के कारण, लक्षण और मलेरिया को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।